अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। माशाल्लाह मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फजर की नमाज़ अदा कर ली है सहरी के बाद, किचन की क्लीनिंग और मुझे लॉन्ड्री के लिए मशीन लोड करनी थी तो कपड़ों से मैंने उसको लोड कर ली है, अभी इसको चालू करेंगे। तो अभी हो चला है वक्त 6 बजे बज रहे हैं, तो अभी इसको करते हैं ऑन। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा लेट से ऑन करूँगी। मैंने यहाँ पर इसको मशीन को अभी लोड कर दी है, लेकिन ये चालू होगी अबाउट 2-3 आवर्स के बाद, ताकि मेरी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। और ये करने के बाद जाके सो जाएंगे और उठेंगे सुबह और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो वीडियो को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अभी इफ्तार का समय है तो बन रही है थोड़ी सी डेलीशियस सी यमी सी स्पेशल डिश। आज यहाँ पर चिकन टिक्का बनेगा, तो चिकन टिक्के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चिकन चंक्स। उसमें ऐड किए हैं सारे सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कुटा हुआ लाल मिर्च। दही डाला है और डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डाल के अच्छे से मिक्स दे देंगे, मैरिनेशन के लिए इसको छोड़ देंगे और चॉप कर लेंगे थोड़े से वेजिटेबल्स इसके साथ डालने के लिए। आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑनियन एंड टमाटर, स्क्यूअर्स में मैंने डाल दिया है और इसको मैरिनेशन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। आज मैं ट्राई कर रही हूँ, यूट्यूब फ्रेंड के चैनल पर मैंने देखा था नंदो स्टाइल कैप्सिकम राइस, तो इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। साइड बाय साइड मेरे सब काम चलते रहते हैं। इसकी रेसिपी की थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती राइस और कैप्सिकम। अगर आपके पास कलरफुल कैप्सिकम्स है तो आप वो ले लें। बहुत ही यम्मी सी डिलीशियस सी राइस बनी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने लिया है ऑयल, गरम कर लें उसको, फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक। गार्लिक ऐड करने के बाद आपको डालना है कैप्सिकम। कैप्सिकम डालें और थोड़ा उसको सॉटे करें, कैप्सिकम एंड ऑनियंस को थोड़ा सॉटे करने के बाद पीछे फिर ऐड करना है मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और चावल को पीछे ही डाल लेंगे पानी के साथ और डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, स्वाद अनुसार आप डाल लें और इसको अच्छे से मिक्स देते हुए पका लें। तो ये रेडी होगा सर्व करने के लिए। ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मीलीशियस सी डिश बनी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। कैश्यूज़ मैंने ऐड किए थे, ये ऑप्शनल है। रमज़ान में तो सब घर में बहुत सारी वैरायटीज़ के डिशेस बनती हैं और न्यू ट्राई किए जाते हैं, तो मेरे घर में भी ऐसा ही है कुछ। मैं डेली कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पसंद आ जाती हैं और कुछ पसंद भी नहीं आती। आपको बताना भूल गई कि यहाँ पर ब्लैक पेपर भी डालें थोड़ा सा।
इफ्तारी का टाइम है तो अभी मुझे इफ्तारी के लिए दूसरी चीज़ें भी रेडी करनी थी, तो यहाँ पर शरबत की तैयारी मैं कर रही थी जो चिया सीड्स और गोंद डाल के मैंने यहाँ पर भिगोने के लिए रख दिया था अर्ली मॉर्निंग। अभी इसमें डाला है थोड़ा सा मिल्क, यहाँ पर ऐड किया और जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए मतलब जितने ग्लास पानी चाहिए उतना ऐड कर लें और शुगर डाल के इसको हिला लें। थोड़ा सा रोज़ एसेंस ऐड कर लेंगे, इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा और यह रेडी होगा सर्व करने के लिए। गार्निश कर लें आलमंड्स के साथ। तो दूसरी तीसरी जो भी कुकिंग वो चलती ही रहती हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पर आपको फाइनल लुक बता रही थी मैं, ये नैंदो स्टाइल कैप्सिकम राइस का। तो इसके साथ सर्व कर रहे हैं थोड़ी सी स्पाइसी चिकन। तो चिकन टिक्का को इसका सर्व करेंगे। इसको मैंने फ्राई कर लिया था मैरिनेट करने के बाद और इसको स्मोकी स्मेल देने के लिए कोल को मैंने अच्छे से हीट अप कर लिया था। थोड़ा सा तेल डालेंगे तो ये स्मोक की हो जाएगी। और इसके साथ थे मिनी पिज़्ज़ास और फ्रूट्स लगे थे डाइनिंग टेबल पर इफ्तारी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप मेरे रेसिपीज़ ट्राई भी करते होंगे। अगर ट्राई करते होंगे तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं आपके फीडबैक्स, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, छोटी सी बेल भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी हमेशा मिलती रहे। अभी समय हो चला है वीडियो को एंड करने का। उम्मीद करती हूँ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।